हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू दी एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल दोस्तों आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं मिर्च की फसल पर एन पी के ग्रेड का इस्तेमाल अब जो मार्केट में वाटर सेल्यूअल फर्टिलाइजर्स आती है हमको अपनी मिर्च की फसल पर कौन सी स्टेज पर कौन सी घुलनशील खाद का इस्तेमाल करना चाहिए क्यों करना चाहिए और यदि हम वाटर सेल्यूअल फर्टिलाइजर्स एन पी के का अपनी मिर्च की फसल पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो कितनी मात्रा पर इस स्टीज कौन सी सही होनी चाहिए इसका प्राइस क्या है हम आपको यकीन के साथ कह सकते हैं कि यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको पता चल पाएगा कि आपको अपनी मिर्च की फसल पर कब कौन, कौन से माइक्रो न्यूट्रिय कब कौन से पोषक तत्वों को देना चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें आप देख रहे हैं भारतीय कृषि नेटवर्क एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल मैं हूं आपका दोस्त शिव कुमार यह वीडियो जो थोड़ा सा डिले है लेकिन किसान भाइयों के काफ़ी टाइम से कमेंट्स और डीएम आ रहे हैं कि मिर्च की फसल पर एनपी की जो ग्रेड आती है इसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाइए तो चलिए शुरू करते हैं अब एन पी के जो खाद आती है यानी वाटर सेल्यूअल फर्टिलाइजर्स एन पी के जिसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटास अवेलेबल होता है लेकिन मार्केट में अलग अलग खादों का जो रेशो है उनका जो परसेंटेज वह भी अलग होता है एन पी के खाद का तो जो एन पी के है यह एक प्रकार की वाटर सेल्युअल फर्टिलाइजर्स है यानी सौ परसेंट पानी पर घुलनशील खाद है किसी भी फसल में बढ़वार के लिए सत्रह पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है जिसमें मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास ही हैं इसके अलावा सेकेंड्री माइक्रोन्यूट्रियन की बात करें तो सल्फर कैल्शियम और मैग्नीशियम है वहीं माइक्रो माइक्रोन्यूट्रियन मल्टी माइक्रो न्यूट्रियन की बात करें सूक्ष्म पोषक तत्वों की तो जिंक बोरॉन आयरन कॉपर मैग्नीज के साथ साथ मोलीबिडेनियम जैसे पोषक तत्व आते हैं तो हम बात कर रहे हैं एन पी के यानी नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास सबसे पहले इनके बारे में डीपली हम समझते हैं कि नाइट्रोजन क्या है और हमारी फसल पर काम कैसे करता है तो हमारी मिर्च की फसल पर नाइट्रोजन पत्ते को हरे हरे कर वनस्पतिक को यह बढ़ाती है एवं प्रकाश संश्लेषण के साथ साथ क्लोरोफिल की मात्रा भी बढ़ाती है यानी वनस्पतिक अवस्था पर नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है जैसे मिर्च की फसल जीरो दिन से लेकर पैंतालीस दिन तक यानी प्लांटेशन से लेकर पैंतालीस दिन तक अपेक्षाकृत हमारी पूरी फसल चक्कर पर अधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है शुरुआती चरणों पर यानी जीरो से 45 दिनों के मध्य बहुत अधिक मात्रा पर नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है इसके अलावा बात करते हैं फास्फोरस। तो फास्फोरस जड़ों को मजबूती एवं तने को मजबूत बनाने के लिए साथ ही जड़ों का विकास एवं फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए फास्फोरस का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है मिर्च की फसल पर तो फूल की अवस्था में ज़्यादा लाभदायक है फास्फोरस जब फूल निकल रहे हों तो आप उस टाइम फास्फोरस बेस्ड खादों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अभी हम आगे चल के बात करेंगे कि कौन सी फास्फोरस बेस्ड खाद हैं कौन सी नाइट्रोजन बेस्ड खाद हैं और कौन सी पोटास युक्त खाद हैं इसके अलावा बात करते हैं पोटास यानी पोटेशियम तो पोटेशियम का हमारी मिर्च की फसल पर फल अवस्था पर सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है यानी फल की अवस्था पर जब फल मैच्योर हो रहे हों, ठीक तरीके से स्ट्रॉन्ग के साथ साथ पौधे की सेहत सुधारता है पोटास पौधे की गतिविधियों को एवं अन्य एंजाम्स व सेल डिवीजन को यह बढ़ाती है साथ ही अधिक मिर्च पौधे पर लगती है पोटास से। तो पोटास का सही इस्तेमाल जब फ्रूटिंग स्टेज पर मिर्च का पौधा हो तब आप पोटास इस्तेमाल करें जब हमारी मिर्च की फसल फ्रूटिंग स्टेज पर हो तो अधिक पोटास की ज़रूरत पड़ती है जब हमारी मिर्च की फसल फ्लावरिंग स्टेज पर हो तो फास्फोरस की अधिक आवश्यकता पड़ती है और जब हमारी मिर्च की फसल वनस्पतिक बढ़वा ले रही हो तो उस समय नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की आवश्यकता पड़ती है किसान मित्र मार्केट में कई प्रकार की वाटर सेल्यूबल घुलनशील खाद अवेलेबल हैं लेकिन स्टेज और अवस्था के हिसाब से ही हमको इस्तेमाल करना चाहिए जैसे मार्केट में उन्नीस 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 सत्तर चवालीस जीरो बारह इकसठ जीरो जीरो बावन चौंतीस के साथ साथ मार्केट में जीरो जीरो पचास तेरह जीरो पैंतालीस तेरह चालीस तेरह जैसी मार्केट में कई प्रकार की वाटर सेल्यूल अलग अलग परसेंट में अलग अलग रेशियो के साथ जो एन अलग अलग रेशियो के साथ परसेंटेज के साथ मार्केट में घुलनशील खाद अवेलेबल हैं, जिनका प्रयोग ज्यादातर ड्रिप सिंचाई से प्रयोग किया जाता है तो उन्नीस परसेंट फॉस्फोरस है और उन्नीस ही इसमें पोटेशियम की मात्रा है जैसे मार्केट में एक खाद आती है एनपी के जीरो जीरो पचास तो इसमें नाइट्रोजन है जीरो परसेंट फॉस्फोरस है 0...

कौन कौन सी खादों को इस्तेमाल कर सकते हैं तो वनस्पतिक स्टेज पर आप एन पी के उन्नीस 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 सत्रह चवालीस जीरो और बारह इकसठ जीरो जैसी खादों का आप प्रयोग कर सकते हैं इसके अलावा फ्लावरिंग स्टेज पर जो जब हमारी मिर्च की फसल फ्लावरिंग स्टेज पर फूल की अवस्था पर होती है तो उस समय ए एन पी के घुलनशील खाद जीरो बावन चौंतीस सत्रह चवालीस जीरो और बारह इकसठ जीरो जैसी खादों का आप प्रयोग कर सकते हैं लेकिन जब हमारी मिर्च की फसल फ्रूटिंग स्टेज पर आ जाती है यानी मुख्य स्टेज पर जब फ्रूट एकदम पौधा लद जाता है तो उस समय पोटास की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है तो ऐसी स्टेज पर आप जीरो जीरो पचास तेरह जीरो पैंतालीस तेरह चालीस तेरह जीरो बावन चौंतीस जैसी खादों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अब जैसे वनस्पतिक स्टेज है तो नाइट्रोजन वेस्ट खाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं फ्लावरिंग स्टेज पर है तो फास्फोरस वेस्ट आप खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अलावा फ्रूटिंग स्टेज पर जब मिर्च की फसल है तो पोटेशियम युक्त खादों का आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो अधिक फल फूल की संख्या आएगी अब जरूरी नहीं है कि फ्रूटिंग स्टेज पर आपकी मिर्च की फसल है केवल आप पोटास युक्त खादों का इस्तेमाल करें नहीं किसान भाइयों मान लीजिए आपकी मिर्च की फसल फ्रूटिंग स्टेज पर है उस समय यदि फास्फोरस की जरूरत पड़ गई उस समय यदि नाइट्रोजन की जरूरत पड़ गई तो आवश्यकता अनुसार हमको नाइट्रोजन बेस फास्फोरस बेस खादों को भी हमको चलाना पड़ेगा यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो शुरुआती चरणों पर जो इनका डोज है दो किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से दे सकते हैं फूल की स्टेज पर तीन किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप घुलनशील खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं और यदि जब हमारी मुख्य स्टेज पर जब मिर्च की फसल आ जाती है तो हमको चार किलोग्राम से लेके छः किलोग्राम तक प्रति एकड़ की दर से हर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन यानी अंतराल रख के थोड़ा थोड़ा हमको खादों को देना पड़ता है कम कम मात्रा पर तो आप कुछ इस प्रकार समझ लीजिए कि जैसे पौधा बड़ा होता जाता है तो अधिक न्यूट्रियन अधिक भोजन की आवश्यकता पड़ती है ठीक उसी प्रकार जब हम शुरुआती मिर्च की फसल रहती है तो दो किलोग्राम खाद देते हैं जब हाँ फसल मैच्योर स्टेज पर हो जाती है या फिर जब हाँ मिर्च की फसल फ्लावरिंग स्टेज पर होती है फ्रूटिंग स्टेज पर होती है बड़ी हो जाती है यानी साठ सत्तर दिन की नब्बे दिन की एक सौ बीस दिन की हो जाती है तो भोजन की आवश्यकता जिस प्रकार फसल बढ़ती जाती है उसी प्रकार अधिक न्यूट्रियन की भी आवश्यकता पड़ती जाती है इसके अलावा जैसे मार्केट पर अगर रेट की बात करें तो पचहत्तर रुपये से लेके सौ रुपये के 100 अंदर अंदर तक कोई भी घुलनशील खाद बड़े ही आसानी से उपलब्ध हो जाती है अब मिर्च की फसल पर और भी कुछ महत्वपूर्ण आवश्यक खादें हैं जो उपज और उत्पादन बढ़ाने के लिए काफ़ी ज्यादा योगदान निभाती हैं जैसे कैल्शियम नाइट्रेट मिर्च की फसल पर यदि फसल को हरी भरी करनी है और कैल्शियम नाइट्रेट जो खाद आती है यदि आप रासायनिक खेती कर रहे हैं तो कैल्शियम नाइट्रेट खाद का एक अलग महत्व है तीन से चार किलोग्राम आप बीस बीस दिनों के अंतराल पर दे सकते हैं ड्रिप सिंचाई से इसके अलावा यदि आप ड्रिप से खेती नहीं भी कर रहे हैं तो कैल्शियम नाइट्रेट खाद को आप लगभग जो आपका प्लांट है जड़ें हैं लगभग छह से सात सेंटीमीटर दूर देकर सिंचाई भी कर सकते हैं साधारण खेती यदि आप कर रहे हैं इसके अलावा जड़ों का यदि आप विकास चाहते हैं यानी रेशेदार जड़ें नहीं बढ़ रही हैं पौधा ठीक तरीके से बढ़वार नहीं ले रहा है तो आप ह्यूमिक एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं चमक बढ़ाने के लिए आप बोरॉन वी ट्वेंटी परसेंट वाली आती है तो बोरॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं और कैल्शियम जैसे मिर्च की जो हमारी फसल है और मिर्च का जो फ्रूट है वो टेढ़ा बढ़ रहा है तो कैल्शियम बेस्ड खादों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं साथ ही बीच बीच में यानी पंद्रह पंद्रह दिनों के अंतराल पर आप मल्टी माइक्रो न्यूट्रियन बेस्ड खादों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यदि आप मिर्च के साथ साथ अन्य हरी सब्जियों की और फसलों की जानकारी डीपली विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए तो मैं आपका दोस्त शिव कुमार मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग नॉलेजल और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार